नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करने पर आपको SMS चार्ज देना पड़ता था, लेकिन पेटीएम ने अपनी एक और अपडेट निकाल दी है। पेटीएम वॉलेट जो ऐप का नॉर्मल वॉलेट होता है, उसे भी यूज करने पर आपको SMS चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, पेटीएम वॉलेट जो ऐप का नॉर्मल वॉलेट होता है, उसे भी यूज करने पर अब आपको SMS चार्ज देना पड़ेगा। तो अब मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ कि किस तरह से आपको SMS चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक .com ऑफिशियल साइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर रेट्स एंड चार्ज पे क्लिक करके आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता होगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट को यूज करने पर आपको पर क्वार्टर 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मेजर अपडेट आ चुका है, यहाँ पर पेटीएम वॉलेट का भी नाम जोड़ दिया गया है। यानी कि नॉर्मल जो पेटीएम का वॉलेट होता है, उसे भी यूज करने के लिए अब आपको पर क्वार्टर 10 रुपये का SMS चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपके अकाउंट से 1 रुपये भी SMS के नाम से नहीं काटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अगर आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपये भी SMS के नाम से नहीं काटा जाएगा। तो कौन से क्राइटेरिया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। अगर आपको अपने पेटीएम के सेविंग अकाउंट में SMS चार्ज विवक करवाना है, तो आप लोगों को एक ही काम करना होगा, पेटीएम के सेविंग अकाउंट में 500 रुपये से नीचे का कोई भी क्रेडिट नहीं होना चाहिए। यानी कि 500 रुपये से नीचे की कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे तभी आपको इसमें चार्ज देना पड़ेगा। अन्यथा आप 500 रुपये से ऊपर की क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सेम केस यहाँ पर पेटीएम वॉलेट के साथ भी है। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है, अगर पेटीएम वॉलेट में आप पैसा ऐड करते हो, कोई भी पैसा ऐड करो, अगर आप 500 रुपये से नीचे तक ऐड करते हो तो आपसे SMS चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 500 रुपये से ऊपर तक पैसे ऐड करते हो तो आपसे कोई भी SMS चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये दोनों क्रेडिट का क्राइटेरिया है, डेबिट का क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि पैसा जमा करने का यहाँ पर क्राइटेरिया है, लेकिन वहीं अगर आप पेटीएम वॉलेट से डेबिट करते हो 50 रुपये से कम का, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। देखिए, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आप लोग को बता दूँ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपये से नीचे का जमा या क्रेडिट नहीं होना चाहिए। इससे आपका चार्ज विवक हो जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में अगर आप 500 रुपये से नीचे का ऐड मनी नहीं करते हो, उस पर आपका चार्ज लिया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आपके पेटीएम के वॉलेट में अगर आप 500 रुपये से नीचे का ऐड मनी नहीं करते हो तो उस पर आपका चार्ज लिया जाएगा। अगर आप 500 रुपये से ऊपर का ऐड मनी करते हो तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप कहीं भी पेमेंट करते हैं, चाहे स्कैन करके करें या फिर डायरेक्ट पे करें, अगर आप 50 रुपये से कम अगर आप वॉलेट के थ्रू भेज रहे हैं या डेबिट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, 500 रुपये से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप किसी को भी पेमेंट करें तो 50 रुपये से ऊपर का करें, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2020 से यह टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाएगी, जो इन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो यहाँ यह थी पेटीएम की जो नई अपडेट, जो पेटीएम 1 जुलाई 2020 से लेकर आ रहा है। तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को, ताकि पता चल सके उन्हें भी पेटीएम की इस नई अपडेट के बारे में। मुझे कि नहीं, मैंने मेरे बहुत ही कम शब्दों में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इतना ही नहीं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पे सेट करेंगे। धन्यवाद।